विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाती रही है, क्योंकि हमारा मानना है कि बिहार में पूरी तरीके से अपराध का बोलबाला है और इसमें सरकार जो है पूरी तरीके से संरक्षण दे रही है। गोपालगंज जिले में कई हत्याकांड हुए हैं, केवल अभी के नरसंहार की बात ही नहीं करेंगे हम, कई एक हत्या जो है, बंद कर दो ना, कई एक जो हत्या है वो हुई है और उस सिलसिले में जो अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे जो सत्ताधारी दल का नीतीश जी का जो चहेता जो विधायक है उसके खिलाफ कई साक्ष्य हैं और नाम दर्ज FIR भी जो है वो किया गया है, कई वीडियो जो है सामने आई हैं। हम सारे वीडियो नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ जो घटना का जो वीडियो है वो आपके सामने जो है पेश करें और उसके बाद जो है हम अपनी बात जो है वो आप लोगों के समक्ष रखेंगे। अभी तक नहीं मिला न्याय, प्रशासन और सरकार को उनके फायदे की है। थोड़ा सा देखिए, या देखो आपका नाम क्या है? मेरा नाम घटनायक सिंह सोहा है। हरि नारायण जी, रामास्ते जी का मामला क्या है? रामास्ते जी कौन क्या है? रामास्ते सिंह मेरे तीन भाई, छोटे भाई थे जो कि विदेश से कमा कर आए हुए थे, तो उनसे व्यक्त कर रहे थे। और मेरा एक पेट्रोल पंप का काम चल रहा था, पहला जो वीडियो जो दिखाया गया है उसमें गोपालगंज के व्यवसायी श्री रामाश्रय सिंह खुशवाहा जो वहाँ के कारोबारी थे उनके भाई का वीडियो है। आपको पता है कि एक साल पहले इसका मर्डर हुआ था, लेकिन अभी तक जो है जैसा कि उनके भाई ने वीडियो के माध्यम से बताया कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। और इस वीडियो में रामाश्रय कुशवाहा के भाई ने अपनी जो है आप लोगों को सुनाने का काम किया। दूसरा जो वीडियो जो हमने दिखाया वो है वरिष्ठ नेता है BJP के, गोपालगंज जिले के वरिष्ठ नेता हैं, उनका नाम है शिव कुमार उपाध्याय। शिव कुमार उपाध्याय ने आरोप लगाया था कि JDU के विधायक जो पप्पू पांडे हैं उन्हें गोलियों से छलनी करने की धमकी दी थी। और तीसरा जो वीडियो है वो है अनिल तिवारी जी का। अनिल तिवारी जी की हत्या हुई, हम जानना चाहते हैं अनिल तिवारी जी जो है जिसका जिक्र हम लोगों ने गवर्नर साहब से में मिलकर के CBI जांच का जो है मांग की थी। तो ये तीनों जो वीडियो है ये सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल है, साक्ष्य है, आप कह सकते हैं नाम दर्ज हैं और ये खुल करके कह रहे हैं कि कोई इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हुआ। इसी के अगर साथ साथ अगर हम लोग आएंगे तो उसमें कृष्णा शाही जी की भी जो हत्या हुई थी, हालांकि वो वीडियो हम नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि काफ़ी वायरल हो गया, आप लोगों की भी पास होगा। लेकिन आप देखिएगा, धमकी देना, रंगदारी वसूल करना और एक ही ट्रेंड से एक ही तरीके से जो है अपराध किया जाता है। पहले धमकी दी जाती है और फिर बाद में बाइक सवार जो है आते हैं और गोलियों से भूनने का काम करते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन की अगर मतलब कि साफ साफ जो है अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं, अलग अलग साल के जो है FIRs है, नाम दर्ज है, साक्ष्य है, सब चीजें हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं होती। अब आप देखिएगा जो अनिल तिवारी हैं उनके प्राइवेट में उनको गोली लगी नहीं थी, जैसा इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि उनको गोली लगी, पीछे आवाज़ जिनका चल रहा है वो सुनने की ज़रूरत है। अगर ऑडियो उसका पता चल जाए, सैम्पलिंग टेस्ट हो जाए, तो जो आरोपी जो है खुद ब खुद जो है गिरफ्तार हो जाएगा। हम जानना चाहते हैं अनिल तिवारी को अस्पताल ले करके कौन गया और उनको गोली लगी नहीं बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट पे गोली मारा गया। अगर सैंपलिंग टेस्ट हो जाएगा इस वीडियो के ऑडियो का तो आरोपी जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाएगा।
कृष्णा शाही जी जो है वरिष्ठ नेता हैं, और हमारे पास एक रिपोर्ट है उनके हत्याकांड को लेते हुए। ये रिपोर्ट जो है स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ का है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्पेशल टास्क फोर्स उत्तर प्रदेश लखनऊ, दिनांक 20 मार्च 2018, दिनांक 20 मार्च 2018। ये एसटीएफ उत्तर प्रदेश को गोपालगंज, बिहार के सक्रिय माफिया सतीश पांडे गैंग की दुर्दांत शूटर पप्पू श्रीवास्तव को लखनऊ से गिरफ्तार करने के उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। ये उत्तर प्रदेश का जो एसटीएफ है, ये उसका रिपोर्ट है, जो सतीश पांडे, जो कि अमरेंद्र पांडे उर्फ पप्पू पांडे के बड़े भाई हैं, उनका शूटर है पप्पू श्रीवास्तव, उसको गिरफ्तार किया गया था। उसको गिरफ्तार करने में जो पप्पू श्रीवास्तव ने जो बयान दिया उत्तर प्रदेश के एसटीएफ को, वो ये है। वर्ष 2014 में एक बार फिर सतीश पांडे, अमरेंद्र पांडे वर्तमान विधायक और अजय मिश्रा के साथ उसके AK-47 से गोपालगंज में प्रतिष्ठित राजनीतिक कृष्णा शाही पर हमला किया था, जिसमें वो बच गए थे। आप देखिएगा, ये साफ जो है, ये मेरा आरोप नहीं है। अब आप बताइए, जो विधायक है उसके पास AK-47 प्राप्त है, मिल रहा है, और ये मेरा, आप लोग सब लोग देख सकते हैं इसको, ये मेरा कोई रिपोर्ट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के एसटीएफ का है। साफ तौर पे इसमें जो उनका शूटर है पप्पू पांडे, जो नीतीश जी का चहेता विधायक है, उसका शूटर जो है वो गिरफ्तार होता है, और उसने अपने बयान में जो दर्ज किया है ये बातें, तो इसमें साफ साफ है। मेरा सवाल ये है पूछने का कि व्यवसायी रामाश्रय सिंह कुशवाहा हो, शिव कुमार उपाध्याय हो, ये बीजेपी के लोग, डबल इंजन की सरकार है। आप देखिएगा कि पूरी तरीके से जो है बीजेपी के लोग अपने ही नेता को न्याय नहीं दिला पा रहे, तो ये जनता को क्या न्याय दिलाएंगे? ये जब अपने पार्टी के जो करता है, जिसके लिए मरता है, अगर उस पार्टी का नेता का हत्या हो जाता तो उसको ही न्याय नहीं दिला रहे? सुशील मोदी जी तो घूमते रहते थे, क्या इनसे मिले, क्या बात हुई, कोई बात बताएं इस पे? क्यों बीजेपी के लोगों ने चुप्पी साध रखी है, ये बताना चाहिए। एक आध उदाहरण नहीं, आप देखिएगा हथुआ प्रखंड में व्यवसायी अनिल शाह की हत्या हुई, आप देखिएगा राजकुमार शर्मा जो गिट्टी के बहुत बड़े व्यापारी थे, उनकी हत्या हुई, उपेंद्र सिंह कुशवाहा जिनकी पत्नी वहां पंचायत में वर्तमान में मुखिया है, उनकी हत्या हुई, जेपी चौधरी, शंभू मिश्रा, मुन्ना तिवारी, अनिल तिवारी, इतनी हत्या हुई, और बल्कि सरकारी पदाधिकारी अख्तर की पत्नी ने भी जो है, जो पप्पू पांडे ने जो धमकाने का काम किया था, नाम दर्ज FIR है। आप देखिएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी के जो निर्देशक हैं अखिलेश कुमार जायसवाल, उनसे जो है रंगदारी वसूलने का काम किया गया। तो ये हम तो नहीं कह रहे, लोग कहते हैं हम राजनीति करते हैं, बात नहीं उठा रहे, तो इसमें इतनी कुछ चीजें आई हैं, बयान सामने हैं। आखिर अब तक इतने मामले सामने आए, आखिर पप्पू पांडे गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहा?